जय हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौरांग महाप्रभु की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उपस्थित सभी का हम आज के इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ अर्थात इस्कॉन को और खास कर इस्कॉन के द्वारा होने वाले महोत्सव को एक सौंदर्य की पार्श्वभूमि रही है। खास कर जब भी इस्कॉन का कार्यक्रम होता है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, होली मिलन आदि महोत्सव होते हैं, तब विशेष डेकोरेशन होता है। काफी विशेष रूप से जो स्थान है उस स्थान को सजाया जाता है। लेकिन आप सबको यह आश्चर्य होगा कि आज यह स्थान किसी अलग तरह से सजाया हुआ है। यहाँ पर बहुत कम फूलों की मालाएं हैं जो ऐसे द्वार को लगी है जिसके फ्रेम चौकट पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब पिछले वर्ष हमने होली मिलन और गौर पूर्णिमा का महोत्सव किया था तो सारे हॉल में फूल लटक रहे थे, आज सब तरफ वायर लटक रहे हैं। सुंदर रूप से डेकोरेशन होता है, बैकड्रॉप होता है, कहीं पर पाइप खुले हैं। हम जानते हैं काफी सबको कुछ असुविधा हो रही होगी, सबको हवा नहीं मिल रही होगी, लेकिन फिर भी भगवान अवतरित होते हैं। 5000 वर्ष पूर्व
जब मथुरा में भगवान अवतरित हुए तो वह स्थान किसी तरह से सुशोभित स्थान नहीं था, वह स्थान था एक कारागृह जहां पर भगवान अवतरित होते हैं। और कलयुग में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए वह तो द्वापर युग का अंतिम समय था, उसके पश्चात भगवान अपनी लीला पूर्ण कर चले जाते हैं और कलयुग इस भौतिक जगत में आ जाता है और कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जब हम शुरुआत में मंगलाचरण गा रहे थे तो अंत में जब हरे कृष्ण महामंत्र गाया तब कितने जनों ने अपने हाथ ऊपर किए थे, किस किस ने कहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबने हाथ ऊपर किए है ना। जब पहली बार हम इस्कॉन संस्था के संपर्क में आए थे तब सोचा ये विचित्र तरह से क्यों भगवान को पुकारते हैं, किसी को लगा ऐसे ये दोनों हाथ ऊपर क्यों हैंड्स अप करके है ना। तो आज के हमारे चर्चा का विषय है हमारे हाथ ऊपर कौन उठाएगा, या फिर हमारे हाथ किसने ऊपर उठाए हैं। अभी कुछ समय पहले से इस्कॉन संस्था के प्रचार कार्य हेतु काफी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, कुछ सत्संग कार्यक्रम होते हैं, कुछ महोत्सव होते हैं और कुछ भगवद गीता के अध्ययन के ऊपर विशेष वैज्ञानिक रूप से कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे तब किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि भक्ति करना अर्थात लोभ को त्याग देना, कितने जन इस बात को स्वीकार करते हैं, भक्ति करना अर्थात लोभ को त्याग देना। हमें से सबको लगता है भक्ति मतलब शांति, फिर बड़े ही नम्र होकर किसी भी अभिलाषा को मन में ना रखते हुए किया जाने वाला कार्य। लेकिन हम आज कुछ लोभियों की चर्चा करेंगे, कोई साधारण लोभी नहीं, ऐसे लोभी कि जिनके लोभ के सामने हमारा लोभ कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कामेश क्रोधेश, काम क्रोध और फिर समझाते हैं लोभ, काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन द्वार हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, बड़े लोभी होते हैं जो अधिक से अधिक अधिक से अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं लेकिन किसी को देना कुछ है तो जानते नहीं है। एक बार एक बड़ा ही कंजूस मक्खीचूस व्यक्ति था जिसने जीवन में कभी भी देना सीखा नहीं था, उसे पता ही नहीं देना क्या होता है। तो वो व्यक्ति अपने मित्र के साथ एक नौका में बैठकर जल विहार कर रहे थे और जैसे ही जा रहे थे तो अचानक से कुछ गड़बड़ हुई और जो कंजूस था वो पानी में गिर गया। और जब वो पानी में गिरा जो व्यक्ति अंदर था उसका मित्र वो कहने लगा कि हाथ दो हाथ दो, वो बोल रहा है बचाओ बचाओ हाथ पीछे कर ले, अरे तुम्हें बचा रहा हूं हाथ दो। दूसरा एक व्यक्ति था बोला वो कंजूस है, देने की भाषा जानता नहीं है, उसे बोलो मेरा हाथ लो। तो इसने कहा मेरा हाथ लो, उसने हाथ पकड़ा और ऊपर खींचकर ऊपर आ गया। तो देने की भाषा जानता नहीं है। संसार में हर कोई लोभी है, नोकिया 3311 से सारा काम चलता था लेकिन फिर टच स्क्रीन चाहिए और जब टच स्क्रीन आ गया तो 512 GB से कुछ नहीं हो, 512 MB से कुछ नहीं होता है, 1 GB रैम चाहिए, फिर 2 GB रैम चाहिए, राम नहीं चाहिए रैम चाहिए। जब हम रैम से राम पर आएंगे ना तो जीवन सफल बन जाएगा। हमें याद है जब नया नया मोबाइल आया ना और जब इंटरनेट शुरू हो गया
तो 100 MB एक महीने तक चलाते थे लोग, लेकिन आज 1 GB पर डे भी बस नहीं होता है। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर अभी 1.5 GB पर डे चाहिए, फिर आगे चलकर 2 GB पर डे चाहिए। तो लोभ है, हमको लगता है कि हम बड़े लोभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे लोभ की शुरुआत हुई। इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु अपने आप नहीं आई है या हमने निर्माण नहीं किए हैं, जो भी कुछ आया है पूर्णतः भगवान से आया है। सारे वस्तुओं के स्रोत, सभी कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो लोभ अगर इस संसार में है तो उसके स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण है। कैसे? बहुत सुंदर वर्णन आता है। भगवान विष्णु वैकुंठ में हैं और एक दिन सोच रहे हैं, सोचते सोचते उन्होंने विचार किया कुछ मजा नहीं आ रहा है, है ना, हमको जीवन में मजा चाहिए, एक जैसा सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ स्कूल के बच्चों के साथ हम चर्चा कर रहे थे तो हमने उनको पूछा कि खाने के लिए क्या आवश्यक है, तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, ये सारे घटक चाहिए। तो ये सारे घटक एक रोटी सब्जी दाल और चावल, इससे मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा ना। तो ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी दाल चावल, लंच में रोटी सब्जी दाल चावल, डिनर में रोटी सब्जी दाल चावल, 7 दिन, 1 महीना, सारे वर्ष भर हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, हमको वैरायटी चाहिए, बिना वैरायटी के मजा नहीं आता है, है ना। तो भगवान भी वैकुंठ में सोच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा है? जो भी आ रहा है प्रणाम कर रहा है, जो भी आ रहा है गुणगान कर रहा है, अरे किसी ने झगड़ा तो करना चाहिए। भगवान सोच रहे कोई कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो चाहिए ना, भगवान में इतनी शक्ति है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, सारा वीर्य है, संपूर्ण शक्ति है, लेकिन कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है। तो भगवान के मन में लोभ निर्माण हुआ। क्या लोभ निर्माण हुआ? झगड़ा करने का, है ना। इस संसार, ये सारा संसार झगड़ों से त्रस्त है और वैकुंठ में भगवान त्रस्त है, क्योंकि कोई कोई झगड़ा ही नहीं कर रहा है। हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ भक्त है गौरांग प्रभु, वो अक्सर कहते हैं कि अभी इस्कॉन संस्था से अगर हम जुड़ गए हैं ना, तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन कृष्ण मिलेंगे, और अगर कृष्ण मिलेंगे तो भगवत धाम भी मिलेगा, और जब भगवत धाम मिलेगा तो वहां जाकर झगड़ा करने को मिलेगा ही नहीं। तो झगड़ों से त्रस्त नहीं होना है। भगवान को लोभ हुआ कि मुझे बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा चाहिए जिसके साथ मैं युद्ध करूं, और फिर ऐसा कुछ प्रयोजन किया कि जय और विजय, उनके जो द्वारपाल है वो बने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ऐसे शक्तिशाली शत्रु बने कि अगर कोई विष्णु का नाम भी लेता तो उसका शिरच्छेद कर देते। ऐसे शक्तिशाली विष्णु के शत्रु बने कि अपना बालक भी अगर विष्णु का नाम ले रहा है तो उसको भी मृत्यु के द्वार में ढकेलने के लिए कतई सोच नहीं रहा था, कतई सोचने से रुक नहीं रहा था। तो ऐसा लोभ भगवान के मन में निर्माण हुआ, और उस लोभ को पूर्ण करने के लिए भगवान नरसिंह रूप लेकर आ गए। और कैसा नरसिंह रूप? बड़ा ही भयंकर, इतने क्रोधित अवस्था में थे भगवान नरसिंह, हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया। किसी का इंतजार नहीं है कि कोई आएगा और माला पहनाएगा, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, उसकी आतड़ों की माला खुद पहन ली। स्वयं लक्ष्मी घबरा रही है, नारद शंकर
सभी वहां पर उपस्थित थे, कोई भी नरसिंह देव के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इतनी घनघोर अवस्था में विकराल रूप धारण करके नरसिंह भगवान वहां पर उपस्थित है। एक नन्ना सा शिशु आता है प्रह्लाद महाराज, एक छोटा सा हार लेकर प्रह्लाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने खड़े होते हैं और उनके गुणगान में कई सुंदर वचन कहने लगते हैं। और जब भगवान प्रह्लाद को देखते हैं तो भगवान के मन में और एक लोभ निर्माण होता है। हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले विकराल अति भयंकर प्रतीत होने वाले नरसिंह भगवान के मन में भी लोभ निर्माण हुआ, वात्सल्य का। कितना सुंदर यह बालक है, कितना सुंदर रूप से मेरा गुणगान कर रहा है। तो भगवान नरसिंह देव के मन में वात्सल्य का लोभ निर्माण हुआ और इसी वात्सल्य लोभ के साथ साथ फिर से हम वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी जी दोनों में संभाषण चल रहा है। लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि हमें यहां पर, मैं हूं तो आपकी अर्धांगिनी, लक्ष्मी जी कह रही है, लेकिन मुझे आपके साथ एकांत स्थान नहीं मिलता है। हर कोई यहां पर हमें घिरा हुआ रहता है। हम क्षीर सागर में भी जाएं तो वहां पर भी एकांत नहीं है। क्यों? शेषनाग जी ऊपर से आपका गुणगान करते हुए रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मुझे पता है कि भौतिक जगत में दो जीवों को लोग कभी कभी अकेला छोड़ देते हैं। जानते हैं वो दो जीव कौन? पति और पत्नी। तो लक्ष्मी जी कहती है कि भौतिक जगत में मनुष्य के पति और पत्नी कुछ एकांत का समय एक साथ बिताते हैं, तो वो लोभ की प्राप्ति लक्ष्मी जी को हुई और नारायण ने कहा कि हां। और फिर दोनों ने निर्धारित किया कि वो अवतरित होंगे। तो नरसिंह भगवान के मन में वात्सल्य का लोभ और लक्ष्मी नारायण जी के मन में एकत्र रहने का, एकांत में रहने का लोभ जब निर्माण हुआ, तब भगवान निर्धारित करते हैं और त्रेता युग में अवतरित होते हैं प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता के रूप में। और जब सब कुछ ठीक से चल रहा है, अभी रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, तो उस दिन फिर से रामचंद्र और माता सीता में संभाषण होता है। तो यहां हम आए इसलिए कि मुझे आपके साथ कुछ, केवल आपका और मेरा समय हो, लेकिन अभी तो आप राजा बनने वाले हैं। रामचंद्र जी ने कहा चिंता मत करो, उसका प्रयोजन हो जाएगा। फिर माता कैकेयी के प्रभाव से दोनों 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। तो जब प्रभु रामचंद्र जी वन में गए तो कई ऋषि मुनि हैं जो भगवान प्रभु रामचंद्र जी के शरीर को देखकर आकर्षित होते थे। पता है प्रभु रामचंद्र जी का जब वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण